गुड मॉर्निंग, मैं अविनाश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल में, जिसका नाम है टेक एडवाइस हिंदी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में एयरटेल के स्पीड के बारे में। जी हाँ, एयरटेल बहुत हल्ला करता है कि स्पीड जो है वो इंडिया की सबसे बढ़िया स्पीड है, लेकिन मैं कहूँगा दुनिया की सबसे गंदी स्पीड जो है वो एयरटेल देता है, क्योंकि मेरे घर के पास ही एयरटेल का टावर है, लेकिन फिर भी मुझे स्पीड जो है काफ़ी गंदी मिलती है। लेकिन इसका एक प्रॉब्लम का सलूशन है मेरे पास। अगर आप एयरटेल यूज़र हैं, आपको स्पीड गंदी मिल रही है, तो उसे आप फिक्स कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं इनक्रीस कर सकते हैं, लेकिन आपका अगर 2 Mbps है तो उसे 5 या 6 Mbps तक आप ले जा सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे मुझे पता चलता है कि आपका सपोर्ट जो मुझे मिल रहा है। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने स्पीड टेस्ट में। स्पीड टेस्ट जो है ओकला का मैंने डाउनलोड किया है, हालांकि सिर्फ ये एयरटेल के लिए नहीं है, सभी कंपनीज़ के लिए है, लेकिन यहाँ से हम चेक करेंगे। हम सीधा सीधा गो पे जाएंगे। गो पे जाने के बाद ये कनेक्ट हो रहा है। कनेक्ट होने के बाद दोस्तों, मैं 4G यूज़ कर रहा हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे एयरटेल का 4G यूज़ कर रहा हूँ। तो इस पर स्पीड टेस्ट अगर हम चेक करते हैं तो स्पीड टेस्ट देखिए मुझे कितनी गंदी। हालांकि मेरे घर के पास ही एयरटेल का 4G का टावर है, लेकिन फिर भी मुझे स्पीड जो काफ़ी गंदी मिलती है। इसकी डाउनलोडिंग स्पीड काफ़ी गंदी है, इससे बेटर इसकी अपलोडिंग स्पीड है। अगर 4G की बात करें तो अपलोडिंग स्पीड डाउनलोडिंग स्पीड के कंपेरिजन में ज़्यादा अच्छी है एयरटेल की 4G के लिए। तो अभी हम इसको फिक्स करते हैं। फिक्स करने के लिए पहले हम इसकी देख लेते हैं क्या स्पीड है। आपको 1.21 डाउनलोडिंग और 2.67 जो है अपलोडिंग मिल रही है। तो इसको हम फिक्स कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा अपने सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जैसा भी आपके मोबाइल में नेटवर्क में आए, मेरे पास आपको मोबाइल नेटवर्क में जाना है। आपको APN वगैरह कुछ नहीं चेंज करना, मैं पहले बता देता हूँ आपको। आपको नेटवर्क मोड में आएगा, यहाँ पर 4G 3G 2G रहेगा, तो आपको यहाँ से 4G हटा देना है, 3G कर देना है। जब ये 3G इतनी जल्दी आपका कनेक्ट नहीं होगा, लेकिन आपको उसको कनेक्ट कराने के लिए वेट करना पड़ेगा। जी हाँ, मेरा कनेक्ट हो गया एक ही बार में। जी अब चलते हैं, फिर से हम वहीं पे स्पीड टेस्ट में। तो जब हम इसको फिर से गो पे करेंगे तो देखेंगे हमारी स्पीड क्या मिल रही है। स्पीड जो है काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो चुकी है। इससे हमें पता चलता है कि एयरटेल की 4G की स्पीड एयरटेल 3G से घटिया है। मतलब एयरटेल 3G अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको एयरटेल 4G यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं स्पीड क्या हो रही है, मैं तुरंत का तुरंत, आप टाइम भी देख सकते हैं, मैं यही जो है बिना वीडियो कटिंग के सब कर रहा हूँ। तो देखिए स्पीड क्या मिल रही है मुझे, 3.27 की स्पीड मिल रही है। उस समय मुझे 1.6 ऐसा कुछ मिल रहा था। अपलोडिंग स्पीड भी पहले से काफ़ी बेहतर है, हालांकि एयरटेल की अपलोडिंग स्पीड 3 Mbps 4 Mbps तक जाती है। डाउनलोडिंग स्पीड जो है काफ़ी गंदी है 4G के लिए, लेकिन अगर आप देख सकते हैं 3G में इसकी स्पीड जो है काफ़ी अच्छी है 4G के कंपेरिज़न में। तो इस तरह से आप अपने 4G स्पीड को, एयरटेल की 4G स्पीड को इंक्रीज़ कर सकते हैं। मैं कहूँगा 4G नहीं, आप 3G में चलाइए, वो काफ़ी अच्छी स्पीड मिलेगी। बस टाइम टाइम के हिसाब से आपको 3G अच्छी मिलेगी। मतलब अगर 24 घंटे में आपको 20 घंटे बिल्कुल 3G 4G से बेहतर स्पीड देगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।